स्टेट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैज वाई इंटरसेप्ट. देखो हमको लाइन का इक्वेशन निकालना है, वाई इंटरसेप्ट टू है स्लोप सेवन है. तो चलो एक एक करके सारा का सम सॉल्यूशन करते हैं. वन देखो क्या है तुम्हारा, टू क्या है तुम्हारा, वाई इंटरसेप्ट है, स्लोप क्या है तुम्हारा सेवन. तो अगर ये देखो ध्यान से, ठीक है, तो ये y इंटरसेप्ट, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये वाला क्या है तुम्हारा 2, और ये स्लोप कितना है तुम्हारा 7. तो इससे क्या पता हुआ कि तुम्हारे पास जो c है वो है तुम्हारा 2 और m जो है वो है तुम्हारा 7. तो बहुत इजी. क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y एक्सिस से, y इक्वल टू mx प्लस c. तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, देखो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c. तो दिस इंप्लाइज y, m कितना है तुम्हारा 7, तो 7m हो गया, x और c कितना है तुम्हारा 2. तो ये क्या हुआ तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया. ठीक है, चलो देखो दूसरा वाला. दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला देखो क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारा, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट c बोलते हैं, y इंटरसेप्ट है माइनस थ्री, और स्लोप कितना है, स्लोप कितना है माइनस, स्लोप को m बोलते हैं ना, क्या होता है माइनस फोर, है ना. तो कहने का मतलब है ये देखो, ये है तुम्हारा, ठीक है. तो अब देखो ये y इंटरसेप्ट, ये एक्चुअली ये फिगर सही नहीं है, ये y इंटरसेप्ट नीचे जाता, बस ये समझ लो कि ये क्या है तुम्हारा माइनस थ्री है, और ये स्लोप कितना है तुम्हारा माइनस फोर है. एक्चुअली ये स्लोप तो मे भी सही है, बट ये y इंटरसेप्ट माइनस थ्री नीचे होता, तो ऊपर ले लिया सम बनाने के लिए, फिगर सही नहीं है. तो चलो देखो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा तुम्हारा, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है क्या होता है तुम्हारा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो देखो यहाँ ध्यान से, तो y इक्वल टू एम कितना है माइनस फोर एक्स, और c कितना है, c है तुम्हारा माइनस थ्री. तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है, नोट करो इसको, लिख लिया. चलो चलो थर्ड नंबर देखो. देखो थर्ड नंबर क्या है, माइनस वन एंड पैरेलल टू वाई इक्वल टू फाइव एक्स प्लस सेवन. तो क्या बोल रहा है कि अब देखो तुम्हारा ये थर्ड नंबर, थर्ड नंबर देखो क्या कह रहा है कि तुम्हारा y इंटरसेप्ट तो माइनस वन है, y इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारा माइनस वन है. तो मान लो y इंटरसेप्ट माइनस वन ये रहा, तो लाइन ऐसे चल रहा है, और ये जो बोल रहा है ना पैरेलल है किस लाइन के, y इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन. तो देखो फाइव एक्स प्लस सेवन माइनस सेवन, तो क्या है तुम्हारा फाइव एक्स माइनस सेवन के पैरेलल है. तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इस वाले लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू फाइव एक्स माइनस सेवन. तो अगर हम इसको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो बताओ इस वाले लाइन का स्लोप कितना हुआ, इस वाले लाइन का स्लोप कितना हुआ फाइव, है ना. ये देखो फाइव एक्स माइनस सेवन है, तो इस वाले लाइन का स्लोप कितना हो गया तुम्हारा फाइव हो गया. तो m क्या है तुम्हारा, इसका स्लोप अगर फाइव है, तो क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा m इक्वल टू क्या हो गया फाइव. और पहले से ही हमको क्या पता है, y इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट कितना माइनस वन. तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, तो देखो तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट जो है, ये y इंटरसेप्ट जो है वो कितना है तुम्हारा माइनस वन, मतलब y इंटरसेप्ट को हम लोग c बोलते हैं ना, c क्या है तुम्हारा माइनस वन. और स्लोप कितना हो गया तुम्हारा, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू कितना आ गया फाइव. अब लाइन का क्वेश्चन इजिली लिख सकते हैं, ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c. तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू m कितना है तुम्हारा 5x, और c के जगह क्या डालेंगे माइनस वन, तो माइनस वन ये तुम्हारा हो गया. समझ में आया, नोट करो इसको.
हो गया, चलो ठीक है। फोर देखते हैं, इसमें देखो फोर नंबर क्वेश्चन क्या है, छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान दो। तो फोर नंबर देखो क्या कह रहे हैं, फोर नंबर क्या कह रहे हैं, वाई स्लोप जो है तुम्हारा, वाई इंटरसेप्ट जो है टू है और इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। तो हमेशा ना सम का रफ स्केच जरूर बनाओ, रफ स्केच बनाने से क्या होता है कि इजिली सॉल्व कर पाते। तो चलो देखो क्या बोला कि वाई इंटरसेप्ट कितना काटा, टू, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट 2 काट रहा है, ठीक है, 2 काट रहा है ऐसा, तो मान लो y इंटरसेप्ट ये रहा 2, और बोल रहा है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। इसका मतलब ऐसे लाइन पास हुआ होगा, ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो गया तुम्हारा 45 डिग्री, और ये y इंटरसेप्ट कितना है तुम्हारा 2। इस लाइन का इक्वेशन हमको लिखना है, ठीक है। तो देखो इंक्लिनेशन क्या है तुम्हारा, इंक्लिनेशन जो है वो कितना है, इंक्लिनेशन थीटा है ना, इंक्लिनेशन थीटा कितना है, 45 डिग्री। अच्छा इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो देवेश बताएगा स्लोप क्या होगा, 10 थीटा। तो स्लोप इक्वल टू, स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू कितना होगा, 10 थीटा। इसका मतलब हुआ 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री कितना होता है, 1। तो अब अपने पास ये तो 10 45 डिग्री आ गया तुम्हारा, 1 स्लोप आ गया, और y इंटरसेप्ट पहले से दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट इक्वल टू c, वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो अब तुम्हारे पास स्लोप अवेलेबल, y इंटरसेप्ट अवेलेबल, लिख दो इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस c। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, y इक्वल टू एम कितना है, 1 इंटू एक्स प्लस सी क्या हुआ, 2। तो फाइनल रिजल्ट क्या है मेरा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। आया समझ में, नोट कर लो। कहीं डाउट किसी को, ठीक है। चलो देखो पांच नंबर आ रहे हैं हम लोग, देखो पांच नंबर क्या कह रहे हैं, पांच नंबर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्लोप क्या है तुम्हारा, -5 एंड इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। कहता है एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उतना वाई के भी साथ बना रहा है। तो देखो कहने का ये होता है कि देखो ये है तुम्हारा, तो क्या कह रहा है कि भैया क्या -5 है, ठीक है, y इंटरसेप्ट -5 है, तो -5 के यहाँ पे होगा -5, ये y इंटरसेप्ट है, तो यहाँ से बना रहा है इक्वल एंगल, तो इक्वल एंगल ऐसे बनाएगा ऐसे, ठीक है, तो x एक्सिस के साथ इक्वल और y के साथ इक्वल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो थोड़ा ध्यान दो कि अगर ये तो ऑब्वियसली है 90 डिग्री है, और ये वाला माइनस फाइव है ना, अच्छा तो ये 45, ये 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 45 और ये भी हो जाएगा तुम्हारा 45। तो अगर ये 45 तो ये वाला कितना होगा, 45। कौन सा एंगल बोलते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब, और यही होता है ना, इंक्लिनेशन क्या होता है, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो तुम्हारा इंक्लिनेशन कितना आ गया, 45 डिग्री, समझ में आ रहा है, बस इंक्लिनेशन कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे देखो, तो इंक्लिनेशन इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना है तुम्हारा, 45 डिग्री। तो स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 45 डिग्री इक्वल टू कितना आया, 1। तो और तुम्हारे पास y इंटरसेप्ट पहले से है, y इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारे पास, c इक्वल टू -5।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, वाई इक्व टू एम वन एक्स वन इंटू एक्स नहीं एम एक्स प्लस सी, तो प्लस माइनस फाइव, तो वाई इक्व टू कितना आया एक्स माइनस फाइव। एक तो ये कंडीशन हो गया। अच्छा एक और पॉसिबल है ना, इक्वल इंटरसेप्ट तो इधर से भी बना सकता है नहीं, तो ये 45, ये 45, तो अगर ये 45 तो ये कितना आ जाएगा 135 नहीं, तो ये भी तो इक्वल इंटरसेप्ट एक्स और वाई के साथ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पास साथ सेम बनाया, तो ये भी हो जाएगा, तो एक इक्वेशन ये भी हो सकता है ठीक है। तो दूसरा इंक्लिनेशन कितना हो सकता है 135 डिग्री ठीक है। तो इंक्लिनेशन कितना आ गया, इंक्लिनेशन इक्व टू थीटा इक्व टू 135 डिग्री सही है। तो इंक्लिनेशन 135 डिग्री आ गया, स्लोप कितना हो जाएगा, हाँ टेन 135 डिग्री, और टेन 135 कितना होता है माइनस वन ठीक है। अच्छा ये हो गया, और y इंटरसेप्ट तो पहले से हमको पता है, y इंटरसेप्ट कितना है तुम्हारा c इक्व टू माइनस फाइव, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्व टू, स्लोप कितना है माइनस वन एक्स और माइनस फाइव, तो y इक्व टू माइनस एक्स माइनस फाइव ठीक है। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, दोनों तुम्हारा आंसर है ठीक है, नोट करो।